आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित ग्राहकों ने अपनी मेहनत की जमा पूंजी वापस दिलाने के लिए आज मंगलवार को राजसमंद जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। नादवारा क्षेत्र से बड़ी संख्या में पीड़ित जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपने दस्तावेज और पासबुक के जिला कलेक्टर को बताते हुए उन्हें नियमानुसार राज्य सरकार के द्वारा उनका पैसा वापस दिलाने की मांग की है। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने करीब 6 साल पहले अपने खून पसीने की कमाई पूंजी को अपने सुनहरे भविष्य के लिए आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में जमा करवाया था। उन्होंने सोचा था कि इस पैसे को वह परिवार में शादी ब्याह और अन्य मांगलिक कार्य करेंगे, लेकिन अब पासबुक और फिक्स डिपॉजिट की समय अवधि पूरा होने के बावजूद उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। बैंक के खिलाफ जांच जारी होने पर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के द्वारा भी शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में पीड़ितों ने जिला कलेक्टर से नियमानुसार कार्रवाई करने का और उनका बकाया भुगतान दिलाने की मांग की है। माने यो पैसा जमा करवाया आदर्श बैंक में ने, तो बैंक अभी पैसा जमा 5 साल भी गया हम पैसा जमा कराए ने, अब मैं ले आया मान पिया ये कागज बांध रहा है हमारे पास और तो कहीं है नहीं, खाली बलिगा पड़ी है सर। बोलो मान देखियो पैसा जमा करवाऊंगा बैंक में तो काम आएगा, दूसरी बाकी मान पा रहेगा तो उपड़ेगा। मां यूं क्यों भाई ब्याह शादी करवाऊ मन टाइम पैसे की जरूरत है, अबे सर मार पैसे की जरूरत है तो मैं बैंक द्वारा अटे आयो न साहब ने कागज दी दो साहब क्यों कार्रवाई जारी रहेगा। आदर्श में पैसे फंसे हुए थे उसके कागज देने आए कलेक्टर साहब को, हमारे 25-30 लोग है नादर से आए हम नादर गाँव से, 5-7 साल हो गए पैसे जमा कराए अभी कोई पैसे नहीं मिले हमको। हम एक गरीब परिवार से हैं, हमारे जो एक एक खून पसीने की जो पैसे है वो वहाँ आदर्श में जमा हो गए, अब हम क्या करें वो पैसे है जो 5 साल हो गए पटकते पटकते। आपको कितना बकाया? हमारे तो है 1.5 लाख।